हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे एक कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक टावर है बड़ा सा, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट अगर हमको फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि मेजरिंग टेप ले लो, मेजर कर लो इसे। काफ़ी आसान है बट टाइम टेकिंग है। सो टू फाइंड दिस हाइट वेरी इजिली वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। लेट अस सी। अब इस ट्री की हाइट अगर मुझे फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? जस्ट सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से इस ट्री के बॉटम से लेके तो टॉप तक मैं देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ट्री के बॉटम को देखा ये लाइन ऑफ साइट से, फिर यहाँ से मैंने अपनी आंखों का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाया कहाँ तक, जहाँ तक इसका टॉप ऑफ द ट्री है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल हो गया उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई? ठीक है, इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक में समझ लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल सेम कंडीशन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, और इस केस में ये जो ट्री है ये परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर क्या है? ग्राउंड। तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा ए, ये दूसरा एक पॉइंट हो गया बी, और ये तीसरा इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा सी। तो यहाँ पे ये क्या बना? ये एक बना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, अब देखते हैं इसी को इस एग्जांपल से। देखो अब ये एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पे एंगल सी पे हमने थीटा माना है। तो सी के अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट जो भी साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, और यहाँ पे अपोजिट साइड है ए बी। एंगल सी के एडजेसेंट में जो भी साइड रहेगी उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और तीसरी साइड जो कि रहेगी 90 डिग्री के अपोजिट वो रहेगी हाइपोटेन्यूस साइड। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे मैंने लिया था एंगल सी एज अ थीटा, दूसरे एग्जांपल में मैंने लिया एंगल ए एज अ थीटा। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या बनी मेरी? बी सी। एडजेसेंट साइड क्या बनी? ए बी। एंड हाइपोटेन्यूस साइड क्या बनी? ए सी। बात यहाँ पे क्लियर है? ये केस में मैंने एज अ सी पे पकड़ा था मेरा थीटा, ये केस में माना है मैंने एंगल ए पे एज अ थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमको अच्छे से याद करना होगा। यहाँ पे मैंने एंगल सी पे एज अ थीटा माना है, एंगल सी पे थीटा है मतलब इसके सामने वाली साइड ए बी इज अपोजिट साइड, बी सी इज एडजेसेंट साइड एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस साइड। यहाँ पे पहला रेशो है साइन का, तो मैंने इसको क्या बोला है? साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा मेरा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है, चलो लिख के देखते हैं। अपोजिट साइड है मेरी ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइड, हाइपोटेन्यूस साइड क्या है? ए सी। दूसरा देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा जो होगा मेरा वो होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट साइड है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड क्या है यहाँ पे? ए सी। तीसरा रेशो है टैन थीटा। टैन थीटा को हम बोलते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी बाय बी सी। आई होप आपको ये वाली बातें क्लियर हो रही है। ये रेशोज काफ़ी ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या है वो देखिए, क्या जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वैसे ही साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे? वन बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा को हम बोलेंगे वन बाय कोसेक थीटा। कॉस थीटा को हम बोलेंगे वन बाय सेक थीटा। एंड टैन थीटा को हम बोलेंगे वन बाय कॉट थीटा। अब इससे ये एक बात क्लियर हो रही है कि कॉस सेक और कॉट, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोसेक सेक एंड कॉट ये जो है ये इनवर्स रेशो है। इनवर्स रेशो है किसका? साइन कॉस एंड टैन का। देखो साइन कॉस एंड टैन। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन बिटवीन रेशोज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बात समझ में आई क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इस ट्रायंगल में अभी थोड़ा देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180. यहाँ पे मेरा एंगल बी इज ऑलरेडी 90 देखे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री. बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर इन दोनों का सम, एंगल ए का और एंगल सी का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. अब ध्यान से देखो, साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट क्या है मेरा, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है. बात सही है? अब देखो, अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा. अब देखो, अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा को अगर लूंगा तो क्या होगा, देखो कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, ये इस एंगल के लिए एडजेसेंट क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी. अब देखो, इसमें इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू में दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ पे देखो, अब सेम कंडीशन में हम लोग कॉस थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा. बात क्लियर हो गई? ये रेशो रिलेशन समझना काफ़ी ज़रूरी है. आगे चलते हैं, आगे हैं सेक एंड कोसेक. अब थोड़ा ध्यान से समझो, सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक इज अपोजिट टू कॉस, एंड अपोजिट टू कॉस क्या रहेगा, ये रहेगा हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक इक्वल्स टू इस केस में हाइपोटेनियस मतलब ए सी बाय एडजेसेंट मतलब बी सी. और उसी के साथ में यहाँ पे कोसेक जो है, कोसेक थीटा वो इन्वर्स है किसका, साइन का. साइन का इन्वर्स मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. यहाँ पे हम लेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ए सी अपॉन अपोजिट मतलब, अपोजिट मतलब आएगा ए बी. बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर सेक मेरा यहाँ पे सेक थीटा क्या है, ए सी बाय बी सी है. बात सही है? और अगर ये थीटा, तो ये क्या हो गया, इससे पहले देखे थे हमने, ये हो गया 90 माइनस थीटा. अब अगर मैं कोसेक 90 माइनस थीटा निकालता हूँ तो क्या आएगा, कोसेक, कोसेक के लिए क्या रेशो है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. अब इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस साइड कौन सी हो गई, ए सी, एंड अपोजिट साइड कौन सी हो गई, बी सी. देखो ये वाली और ये कंडीशन देखो, दोनों में राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक, सॉरी, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्रीज रेशो है ये, ध्यान से समझना है. ये भी सेम केस है, आप सबको पता है टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा अगर लेते हैं, इस केस में कॉट जो होता है, यहाँ पे समझते हैं, देखो कॉट इज 1 बाय टेन मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. ठीक है, तो कॉट जो है वो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट है, तो इस एंगल के लिए ये साइड जो हो गई एडजेसेंट साइड हो गई, मतलब ए बी, एंड ये साइड अपोजिट साइड हो गई, इसका मतलब हो गया ये बी सी. राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा. आई होप आपको जहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल, हमको ये टेबल लर्न करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूँ, तो भी बना दूंगा. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1. हमको ये रेशोज अगर हमको लर्न हो गए, तो बस इसी का उल्टा यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग, यहाँ से शुरू कर देंगे, तो ये कॉस का रेशो बन जाएगा. एंड टेन क्या होता है, टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. ठीक है, तो ये केस में देखो, तो 1/√3 आएगा. इसी तरह से करेंगे टेन 45, देखो 1/√2 कैंसिल, 1 बचेगा. सेम करेंगे हम लोग टेन 60 डिग्री, तो वो आएगा √3. एंड टेन 90 डिग्री देखो क्या है, 1/0, एंड 1/0 हमको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट और अनडिफाइंड. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू.